यूपी के सीतापुर में बीजेपी सरकार के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने रामपुर, मथुरा और रेउसा का बाढ़ इलाकों का दौरा किया। विधायक जबरदस्ती लेकर आए हैं, उन्हीं के कारण काम हो रहा है और योगी लोगों से समस्या को जाना, बाढ़ के हालात जाने, बाढ़ के वक्त क्या क्या तबाह हो जाता है ये भी जाना। सुनकर स्वतंत्र देव सिंह ने कहा सब जल्द ठीक हो जाएगा। मयंक तुम्हारा कब तक ये पूरा हो जाएगा? 20 जून तक हम कर देंगे। तुम्हारे साथ कहाँ है? हमेशा आप हैं। मंत्री जी ये नहीं जानते कि न जाने कितनी सरकारें आई और गई, हालात और खराब होते गए। करीब पिछले 50 सालों से ये गांव वाले इसी तरह अपनी बर्बादी को अपनी आंखों से देख रहे हैं और अब तो इनके आंसू भी खत्म हो चुके हैं। हर बार कोई मंत्री बनकर एक नया चेहरा सामने आता है, आस जगाता है और चला जाता है, मिलता कुछ नहीं। खेत में ठोकर बंदी है उसका आपने, आपको मुआवजा नहीं मिला। पिछली सरकारों की अगर बात कर ले तो सपा सरकार में अखिलेश यादव ने भी भरे मंच पर एक बार नहीं कई बार बाढ़ समस्या को लेकर उसको निजात दिलाने की बात कही, लेकिन कुछ नहीं हुआ। 5 साल बीजेपी सरकार भी निकल गई, जो विकास हुआ सब पानी में बह गया, करोड़ों बर्बाद हो गए। इस बार फिर योगी की 2.0 की सरकार है। आज फिर जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का दौरा होगा, वही वादा फिर मिला सब ठीक हो जाएगा। इस वादे को भी देख लेते हैं। स्टेट कार्य जो का निर्माण चल रहा था उसका उन्होंने निरीक्षण किया, अधिकारियों को निर्देश किया कि आप लोग इस काम को 21 जून तक पूरा कर लें। गांव के लोगों से भी मुलाकात की। योगी आदित्यनाथ ने भी जनता को वादा किया था बाढ़ इलाकों में लोगों को राहत मिलेगी, वादा पूरा होता दिखाई देगा अब शायद, क्योंकि 2024 का चुनाव जो है। लेकिन इसी बीच मंत्री जी से चूक हो गई तो ग्रामीण महिलाएं मंत्री जी पर हंस पड़ी। जब मंत्री जी ने ये बोला गंगा माँ को कहो इतना कहर न भर पाए, तो महिलाएं बोली गंगा नहीं मंत्री जी, शारदा नदी है। ये सुनकर मंत्री जी भी हंस दिए और आगे बढ़ गए। बाढ़ तो बहुत जल्दी आती है, इतनी इतनी ऊंची ऊंची आ जाती है। तो आप प्रार्थना किया करिए गंगा मैया से कि बाढ़ मनाओ माई। गंगा मैया प्रार्थना करे नहीं रुकी है। ये कौन सी शरीर में? अच्छा घाघरा है। स्वतंत्र देव सिंह की पल पल की झलक को अपने कैमरों में कैद कर रही मीडिया जो आगे पीछे दौड़ रही थी, मंत्री जी ने बोला अब आप लोग हटो, अब आपका काम खत्म हो गया, कुछ प्राइवेट बातें भी कर लो, सब बातें मीडिया के सामने नहीं की जाती, कुछ गोपनीय भी रख लो। जहां पर बाढ़ पर बन रही ठोकरों का निरीक्षण किया, वही ग्रामीणों ने शिकायत की कि हमारे खेत में ठोकरें बांध दी गई हैं, उनका मुआवजा नहीं मिला है। जब इस संबंध में माननीय जी से बाइट लेने के लिए बात की गई तो बाइट देने से साफ मना कर दिया। मंत्री जी ने गोपनीयता की बात की और मीडिया को हटा दिया। मीडिया को हटाने से गोपनीयता नहीं भंग होती मंत्री जी, मीडिया आपके कामों की सहयोगी है। अब वैसे भी सब कुछ पारदर्शी है, आप आए, अगर 2024 तक कोई काम नहीं हुआ या जो हुआ और पानी में बह गया तो भी साफ साफ दिख जाएगा, छुपाने से कुछ नहीं होने वाला। आप हैं तो कब तक पूरा हो जाएगा? सब कर देंगे। 21 को हम आ जाए। एक चीज और, आप लेबर दूनी करो, मैं आऊंगा कल भी आऊंगा परसों, दूनी लेबर मुझे मैं 21 को आता हूँ, ठीक है हर जगह। रेउसा से रामेंद्र मिश्रा और रामपुर मथुरा से अशोक कुमार के साथ राहुल अरोरा, ब्यूरो रिपोर्ट स्टार न्यूज़।